नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज़ चैनल में। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जापान से जुड़ी गजब की सच्ची और धुआंधार खबरें। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो पहले भी बताया था कि शुरुआत की खबर तो कोरोना से शुरू होगी। तो जापान में जो कोरोना के केसेज है वो आए हैं टोटल 1083 और टोक्यो में सिर्फ 275 केसेज। तो बहुत ज़्यादा केस कम हो रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड भी ठीक ठाक खाली है। तो इसको देखते हुए जो ओसाका की गवर्नमेंट है और जो आसपास के दो प्रोफेक्चर है क्योटो और ह्योगो, उन्होंने बोला कि अरे सर जी एमरजेंसी लगी हुई 7 मार्च तक। तो उन्होंने बोला कि अरे एमरजेंसी पहले हटा दो, अब तो ठीक ठाक काम चल रहा, क्या बता रही है। तो सरकार ने बोला कि चल देखते हम भी कैसे करेंगे, इस पर चर्चा चल रही है। और कोरोना की जो वैक्सीन का जो काम था वो 17 फरवरी से जापान में ऑलरेडी चालू हो चुका है। पब्लिक को ठका ठक इंजेक्शन लगे जा रहे हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट और डर है पब्लिक में कि ठीक होएगा, इसके साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी अफवाह भी फैली हुई है। तो सरकार ने ठोक के कह दिया कि अगर जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं इससे किसी कारणवश अगर किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को 44 मिलियन येन वो देगी मुआवजा। 44 मिलियन येन मतलब 3 करोड़ रुपए के आसपास पर फैमिली को मुआवजा मिलेगा अगर कोरोना वैक्सीन से किसी की मौत हो जाती है तो। अगली खबर है जापान के जो एम्परर राजा साहब, आज उनका जन्मदिन था 23 फरवरी, मतलब अभी भी है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरी जापान की जनता ने उन्हें बहुत बर्थडे की बधाइयां दी। हम भी उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। उन्होंने पूरी जापान की जनता को ये बोला है कि जैसे ये कोरोना वायरस का क्रेज चल रहा था उसमें सरकार की बातें कितने प्यार से मानी है सारी जनता ने। मुझे लग रहा है सारी जनता ने सरकार की बातें मानी है। और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम कोरोना वायरस से धीरे धीरे उभर रहे हैं। और उन्होंने सारी जनता को ये भी बोला कि भाई राजा होने के नाते मेरे जो कर्तव्य है ना सारा निभाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। कभी तुम सोच रहे हो हाँ ये नहीं है। अगली खबर है टोक्यो के जो ओलंपिक की जो कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट है योशिरो मोरी साहब, वो इसके प्रधान थे अभी तक। उन्होंने भरी असेंबली में क्या कमेंट दे दिया, जब मीटिंग होती है जो कमेटी की जो फीमेल मेंबर है इनकी बातें ना खत्म होकर देती है, चोरी मचाया जाती है, इसकी वजह से मीटिंग डिले हो जाती है। अगर ये औरतें बात करना बंद कर देना तो आदमी हम काम करते ठीक से। तो इस बात को लेकर जापान में बहुत हल्ला मच गया ट्विटर पर। धा ट्वीट धा ट्वीट धा ट्वीट आवाज तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और कैसे ऐसे बोल दिया, बहुत हल्ला मच गया। उनके घर में उनकी वाइफ ने उनकी बेटी ने भी उनको खूब सुनाई। इस वजह से पूरे न्यूज में आके उनको माफी मांगनी पड़ी और उनको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह एक फीमेल मेंबर ही लेंगी जिनका नाम है हाशिमोतो, उनके पूरे पूरे चांस है। अब वो टोक्यो ओलंपिक्स की कमेटी की प्रधान बनकर उसका मैटर संभालेंगी। अगली खबर जापान में जो फॉरेनर रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। जापान का जो ह्यूमन राइट्स ब्यूरो है जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंदर आता है, उन्होंने एक फ्री काउंसलिंग सर्विस स्टार्ट करी जापान में। अगर आप जैसे फॉरेनर है और आपको कोई घर देने से मना करता है, जैसे कि जो फॉरेनर जापान में रहते हैं वो सारे जानते हैं कि जापान में फॉरेनर्स को घर लेने में बड़ी दिक्कत होती है और कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर फॉरेनर्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म जैसी चीजें होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने ऐसी फ्री काउंसलिंग स्टार्ट करी है कि अगर आपके साथ ऐसा कहीं होता है तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं चीजें, जैसे कि आपको घर लेने में परेशानी हो रही है या फिर कोई पड़ोसी आपसे मुंह बना रहा है या फिर आपके बच्चे को कोई स्कूल में परेशान कर रहा है या किसी नाई ने आपके बाल काटने से मना कर दिया, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी परेशानी का हल करने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। अगली खबर है जापान के गिफू नाम के प्रीफेक्चर से। वहां पर एक 18 साल का लड़का जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो गाड़ी चला रहा था, उसके साथ बैठी थी एक 17 साल की लौंडिया और पीछे बैठा था 17 साल का लौंडा और उसके गैर 18 साल की लौंडिया बैठी हुई थी। तो रात को पार्टी वार्टी करके सुबह 4:45 बजे अपने घर जा रहे थे। हाईवे बहुत कड़ा सा कर्व आया, कर्व पे उनका बैलेंस बिगड़ के गाड़ी ग्रेलिंग पेलिंग तोड़ के सीधा नीचे गई चावल के खेत में। इस एक्सीडेंट में जो पीछे से दो लोग बैठे हुए थे उनकी जान चली गई, आगे जो दो लोग थे उनको चोटें लगी हैं पर उनकी जान नहीं गई, वो बच गए। अगली खबर है जापान में कोबे नाम से एक जगह है, उसके पास है अवाजी सीमा नाम से एक आइलैंड। तो उन दोनों जगहों को जोड़ता एक आकाशी काइक्यो नाम से एक ब्रिज है। तो 20 साल के एक नौजवान ने रात को 1 बजे एक टैक्सी ली और 1:30 बजे के आसपास वो उस ब्रिज पे वहां पहुंच गया टैक्सी में। टैक्सी वाले को उसने बोला भैया 2 मिनट रोक ले ही, तो टैक्सी को रोक के वो लड़का ब्रिज पे चढ़ा और वहां के बाद वहां छोरा ने वहां से लगा दी जंप और टैक्सी वाला घबरा गया एकदम से, भाई पैसे वैसे भी नहीं दे कहां जंप लगा दी इसने गैली। उसके बाद पुलिस को फोन करा, एम्बुलेंस बुलाई, उनको उसकी बॉडी मिली 40 मिनट के बाद 2 किलोमीटर दूर जाके। तो अब ये पर किसी को नहीं पता कि उस लड़के ने सुसाइड करा क्यों, 20 साल का छोरा था। अगली खबर है जापान का एक इंग्लिश का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है जापान टाइम्स नाम का, जो कि अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स चलाता है। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हिंदुस्तानी ब्लॉगर की बहुत बड़ी फोटो छपी है। तो हम भी एक बार स्टूडियो में बुला के देख लेते हैं भाई इस लॉन्डे को कि क्या सिस्टम चल रहा है। बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। और क्या मजा आ रही है, आप भी रही वैसे बहुत कट रहे हैं? बस जी बढ़िया, हमारा सही काम चल रहा है। और सब तो फेमस हो रहे हो ना? फेमस कहाँ यार, बस वैसे अखबार अखबार में आ जाता हूँ। ओह इतना फ्रंट पेज पे आए हो? ना फ्रंट पे तो नहीं आया खैर। फिर पहले दूसरे पे?
ना पहले दूसरे पे भी नहीं हूँ, आठवें पे आई है। हाँ अच्छा, आठवें पे। हाँ आठवें पे तो वैसे कुत्ते की फोटो आई है। अरे तबे कुत्ते के साइज से तो बहुत बड़ी फोटो आई है। तो कुत्तों से कॉम्पिटिशन करोगे जीवन भर अपना? तुम मीडिया वाले कभी किसी का भला मत देख लेना, 22.5 मार के आऊँ आज ही, भीज के मार दूंगा ओ भाई, सब पे जोर दे रखा है सारा, कभी लैग्स भी मार लिया करो। मैं 3.5 जबड़ बना दूंगा 1 मिनट के अंदर। कट। अगला सेक्शन हमारा जापान की क्रिमिनल न्यूज से रिलेटेड, सारी क्राइम से रिलेटेड खबरें होंगी इसमें। जिनका दिल कमजोर है या फिर जो जापान से रिलेटेड क्राइम की खबरें नहीं देखना चाहते, वो अभी के अभी चैनल बंद कर दे और आगे ना देखे, क्योंकि इससे आपको तकलीफ हो सकती है। अगली खबर है टोक्यो की फूचू नाम की जगह से, जहां पर एक 27 साल के लड़के ने, जिसका नाम था हयातो वादा, वहां पर एक लड़की को अंधेरी सुनसान रास्ते में पीछे से पकड़ लिया और हाथ पकड़ के सुनसान जगह पे खींच लिया और उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करा। उसके बाद लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। यहां पर सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरे हर रोडों पे लगे रहते हैं, उसकी फुटेज देख के पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उससे जब पूछताछ करी कि तैने ऐसा काम क्यों करा भाई, उसने बोला था वो एक नर्सरी स्कूल में काम करता, उसने बोला कि मेरी एक फीमेल कलीग से मेरी बहुत बड़ी बहस हो गई थी, मैं भरा बैठा था, मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस लड़की पर निकाल दी, जबकि वो उस लड़की को जानता भी नहीं था। अब पुलिस उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन आराम से निकाल देगी। अगली खबर है जापान के नागोया नाम के प्रेफेक्चर से, वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक 31 साल का आदमी था जो कि काम धंधा कुछ करता नहीं था, उसका नाम था यूजा अकियामा। उसको क्या हुआ भाई, ट्विटर पे एक लड़की मिली 19 साल की, उसने बोला कि मैं जीना नहीं चाहती, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, कोई है भला आदमी जो मेरी मदद करेगा, मेरे पेट में चक्कू मार दो, इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। तो यूजा अकियामा था, उसने बोला ये तो बढ़िया काम है। उन दोनों के बीच में बातचीतें ज्यादा बढ़ने लग गई, फिर उन्होंने मीटिंग फिक्स करी, लड़की ने बोला भैया मेरे चक्कू टिका दे, मेई जो नाम का एक पार्क है नागोया में, वहां पर दोनों गए, उसने बोला चक्कू टिका दे, अकियामा ने चक्कू टिका दिया, लड़की घायल हो गई, वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने देख लिया भैया लड़की पड़ी है खून में लथपथ, उसने हॉस्पिटल में फोन कर दिया, एम्बुलेंस आई ले गई उस लड़की को, हॉस्पिटल ले गए, लड़की तो बच गई। अब पुलिस ने भैया वो अकियामा पकड़ लिया, लड़की तो बच गई, अब अकियामा के लग गए लैंटर, पुलिस ने वो पकड़ लिया कि भैया तुझे बड़ी मदद की आग लग रही पब्लिक की, हम करेंगे तेरी मदद। अगली खबर है जापान के कागावा नाम के प्रेफेक्चर से, जहां पर एक 27 साल की औरत जिसका नाम था मारिया ताकेउची, उसने क्या करा, वो अपने दोस्तों वोस्तों के साथ दारू वारू पीने का उसका सीन बना, रात को वो गाड़ी में गई, वहां पर उसकी दो बच्चियां थी 6 साल की 3 साल की, जो गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, वो उन्हें छोड़ के रात भर पार्टी वार्टी करी, उसके बाद अपने जब घर आई तो उसने वो ध्यान नहीं रहा उसका, वो बच्चियां तब भी गाड़ी के भीतर ही थी। उसके बाद जब वो सुबह उसको होश आया 12:30 के बजे के आसपास, कड़कती धूप में वो गाड़ी ऑलरेडी गर्म हो चुकी थी, उसमें वो दोनों बच्चियां पीछे बैठी हुई थी, रात से वो एकदम बेहोश हो चुकी थी। उस औरत ने देखा कि बच्चियां तो बेहोश है, उसने एम्बुलेंस बुलाई, उसको हॉस्पिटल लेके गए तो बच्चियां दोनों मर चुकी थी। उस इस चीज़ को लेकर हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस आई उसने तहकीकात करी तो देखा तो भैया इसने तो ये तो गैर जिम्मेवार से अपनी बेटियां मार दी इसने, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, अब उस पर 6 साल की सजा हो गई है। अगली खबर है जापान के गुम्मा प्रेफेक्चर के ओता नाम की जगह से, वहां पर एक 26 साल की औरत जिसका नाम है रेइका सुजुकी, वो अपने 1 महीने की बच्ची को मारती पीटती थी। किसी बात पे वो बच्ची को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके गई तो हॉस्पिटल वालों ने देखा कि इस बच्ची के 1 महीने की बच्ची उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो रखी है, तो उन्होंने चाइल्ड केयर को फोन करा, उन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस ने तहकीकात करी तो उसकी माँ से पूछा तो उसने बता दिया कि हाँ मैं अपनी बच्ची को मारती पीटती थी। उन्होंने कहा कि 1 महीने की बच्ची को क्यों मारेगा पीटेगा, कह रही मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था बच्चे बच्चे पालने की बात से, तो मैं तो टिका देती थी इसमें। तो अब उसको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसके पति से जब पूछताछ करी तो पति ने बोला कि भैया मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी बच्ची को मारती पीटती थी। अगली खबर है जापान के चीबा प्रेफेक्चर के काशिवा नाम की जगह से, जहां पर शो मीनेशिमा नाम का एक आदमी 59 साल जिसकी उम्र थी, उसने अपने 91 साल के बाप को चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी। वो अपने पिताजी के साथ अपने घर पे था, उस टाइम उसकी माँ उसको छोड़ के अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने फिरने गई थी। बाहर जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड की लाश नीचे खून से लथपथ पड़ी है, उन्होंने 119 पे फोन करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने बोला कि भैया जब मेरे आने से पहले यहाँ पर हमारा बेटा था, पर उसके बाद क्या पुलिस ने तहकीकात करी छानबीन करी तो उनका बेटा किसी दूसरे रिलेटिव घर में था, वहाँ उन्होंने पकड़ लिया उसको अरेस्ट कर लिया। अब उससे पूछताछ चल रही है कि उसने ऐसा काम क्यों करा। जापान में नगाता नाम की एक जगह है, जहां पर एक 50 साल के आसपास ही एक औरत थी, वो एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर गई सामान लेने के लिए, उसने मुंह पे मास्क नहीं लगा रखा था, तो फिर जो मैनेजर था स्टोर का उसने बोला कि मैडम तुमने मास्क नहीं लगा रखा, मास्क लगा लो प्लीज़। और वो जो महिला थी उसने थोड़ी सी टिका रखी थी, वो गुस्सा हो गई इस बात को लेकर, उसने एक घूसा टिका दिया उस मैनेजर के मुँह पर, और जो दूसरा स्टाफ था उसने फिर बटन वटन दबाया, पुलिस बुला ली और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया कि अरे आंटी जी कैसे कहाँ जो उसमें आ रही हुई था ना, अब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब उसके मास्क लगा देगी आराम से। इन सारे क्राइम्स को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि यार हमें ऐसा कोई भी काम कभी नहीं करना है, हमें अपना जीवन बिताना है नॉर्मल एक अच्छे इंसान की तरह। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।